हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सवाल है चार्ट टाइटल को लेकर के, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट टाइटल कैसे यूज होगा, क्या होता है, कैसे यूज होगा, सब समझाता हूं एक एक करके। ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2019 यूज किया, अगर आपने 2007 भी यूज किया हो तो तरीका यही है। देखिए चार्ट टाइटल क्या होता है, अगर इस पार्ट को, ये देखिए ये जो डेटा है हमारे पास, इसको मैं अगर सिलेक्शन में लेता हूं और अब हमें क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। ठीक है, तो इंसर्ट देखिए इसमें कहां है, ये आपका इंसर्ट टैब जो है इंडिया के नाम से आ गया है, तो इसको ले लेता हूं। और अब हमें क्या करना है, सिंपली चार्ट पे जाना है। ये देखिए रिकमेंडेड चार्ट दिया हुआ है यहां पे, ये आपका कॉलम चार्ट। ठीक है, तो ये कॉलम चार्ट पे चलेंगे और यहां से 2D 3D जो भी आपको ठीक लगे वो चार्ट आप क्रिएट करा लें। ठीक है, मैं यहाँ फिलहाल ये 3D चार्ट क्रिएट कराता हूँ, ये क्रिएट करा लिया हमने। इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं हम। ठीक है, ये रिसाइज कर दिया हमने, यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कलर जो भी आपको ठीक लगे वो लगा सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगता हो, जो भी कलर आपको बेहतर लगता हो वो कलर आप लगा सकते हैं। इस तरह से अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर हमको टाइटल देना है, यहाँ पर देखिए टाइटल आ रहा है परसेंटेज। ठीक है, अब ये टाइटल देखिए, जैसे इस चार्ट को सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको ये सारी विंडोज डिस्प्ले हो जाएंगी, ये डिजाइन डिस्प्ले होगा, फॉर्मेट डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अभी हमको चार्ट का टाइटल अगर देना है तो कहां हमें जाना होगा, सवाल इस बात का है। ठीक है, तो जब भी आपको चार्ट का टाइटल देना हो तो यहां पर एड चार्ट एलिमेंट दिया हुआ है, यहां पर भी आप आ सकते हैं। ये देखिए एड चार्ट एलिमेंट, यहीं पर आपको आना है और यहां से यहां पर देखिए चार्ट टाइटल दिया हुआ है, तो यहां से आपको चार्ट का टाइटल अगर देना है ऊपर में तो ऊपर दे दीजिए, सेंटर में देना है तो सेंटर में दे दीजिए। ठीक है, और कहीं देना चाहे या ना देना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ अबव मैं कर देता हूं। और यहां पर देख सकते हैं ये परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है, तो यहां पर परसेंटेज दिया गया है, आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। यहां पे मैं दे देता हूं स्टूडेंट। ठीक है, टाइटल क्या दे दिया मैंने, स्टूडेंट दे दिया, तो यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं टाइटल स्टूडेंट आ जा रहा है, तो इसी को चार्ट टाइटल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो अगर ये चीज क्लियर है तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।